बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 2 के शार्ट क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे थे। आज हमने जिस शार्ट क्वेश्चन को स्टडी करना है वो है 2.7। बच्चों, 2.7 ये है, वो कहता है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास दो वैक्टर हैं, ए और बी, अगर हम उनका सम लेते हैं, उनका सम 0 के बराबर है, वट कैन यू से अबाउट द कम्पोनेंट ऑफ टू वैक्टर। फिर उन वैक्टर के जो कम्पोनेंट हैं वो किस चीज़ के इक्वल होंगे। यानी हमें उसने कहा है कि जो ए प्लस बी है ये 0 के बराबर है। अब हमने बताना है कि उसके कंपोनेंट किस चीज़ के इक्वल होंगे। देखो बच्चों, हम ए के कंपोनेंट ले लेते हैं ए एक्स और ए वाई। अब आप जानते हैं एक्स के क्रॉस जो यूनिट वेक्टर है वो आई होता है और वाई के क्रॉस जो यूनिट वेक्टर है वो जे होता है। तो ए एक्स आई आ जाएगा, ए वाई जे आ जाएगा, दरमियान में प्लस, ये आ जाएगा बी एक्स आई। बी के दो कंपोनेंट बी वाई जे, और सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 0 आई प्लस 0 जे, ये हमने इसके क्या ले लिए, कंपोनेंट ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करते हैं, हम ए वाले कंपोनेंट को अलहदा कर देते हैं और बी वाले कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट को सेपरेट कर देते हैं और वाई कंपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स और ये दूसरा कंपोनेंट इसका आ जाएगा बी एक्स। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कॉमन ले लिया, सेम इसी तरह ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई और इसके क्रॉस ये यूनिट वेक्टर जे कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0 आई प्लस 0 जे। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने क्या करना है, इसके कोफिशियंट्स को कंपेयर कर लेना है। क्या करना है जी, कोफिशियंट को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर द कोफिशियंट, जब हम इसके कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास फिर किस चीज के बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई है, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली इस कोफिशियंट को इनके साथ कंपेयर करेंगे तो ए वाई प्लस बी वाई और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी जब हमने इनके कोफिशियंट को कंपेयर किया तो वो भी रिजल्ट इसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। जब ए प्लस बी 0 के बराबर है तो इसके जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो कंपोनेंट भी किस चीज़ के बराबर आ रहे हैं, 0 के बराबर आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमने बतानी थी कि अगर ए प्लस बी 0 के बराबर है तो उसके कंपोनेंट किसके इक्वल आएंगे। तो हमने देखा जब ए प्लस बी 0 के बराबर है तो इसके कंपोनेंट भी 0 के इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस व्हाट अ वेक्टर हैज कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट लें और उन कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाए। यानी हमने कोई वेक्टर लेना है और उस वेक्टर के कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो हमारा शार्ट क्वेश्चन नंबर है 2.8। अब देखो, सपोज कि हम कोई वेक्टर लेते हैं, ये सपोज कि मैंने वेक्टर ए ले लिया। अब ए के दो कंपोनेंट, एक हमारे पास ए का ये कंपोनेंट आ गया, ये हमारा वेक्टर ए आ गया, ये उसका एक कंपोनेंट आ गया ए वाई और ये उसका सेकंड कंपोनेंट आ गया ए एक्स। अब हमें ये बताना है कि वेक्टर ए के ये जो दो कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई, इनकी मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगी। देखो बच्चों, मैं सपोज करता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एंगल बना रहे हैं, सपोज किया कि ये एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री, अगर ये एंगल 45 डिग्री बना रहे हैं तब इनके कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसी बात को हम प्रूव कर लेते हैं। तो हमने सपोज किया कि इसके दोनों कंपोनेंट क्या है, इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, क्योंकि हमने कहा कि दोनों कंपोनेंट इक्वल है। अब ए एक्स के क्रॉस एंगल होता है कॉस थीटा और वाई के क्रॉस एंगल होता है साइन थीटा, ये आ जाएगा एक्स ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब ए से ए बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए से ए को हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस कॉस को उधर जाके डिवाइड कर देना है, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू क्या आ गया, 1 आ गया। अब बच्चों ये जो साइन ओवर कॉस है ये टेन के इक्वल होता है,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वन के इक्वल आ गया। फिर हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स वन। और अगर हम टेन इनवर्स वन फाइंड आउट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के इक्वल आ जाती है। तो यही बात हमने की थी कि जब हमने के दो कंपोनेंट लें वो कब इक्वल आएंगे, जब वो 45 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट 2.9 है, इज इट इज पॉसिबल टू ऐड द वेक्टर क्वांटिटी इनटू स्केलर क्वांटिटी, क्या हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों हमने थ्योरी में भी इस बात को डिस्कस किया था, नो हम क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा है जी 2.9, क्या हम वेक्टर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं। नो, वी कैन नॉट ऐड द वेक्टर क्वांटिटी इन टू द स्केलर क्वांटिटी, हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। अब इसकी रीजन क्या होगी बच्चों, इसकी रीजन ये है, हमने पढ़ा था कि जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और जो स्केलर है स्केलर की जस्ट हमने पढ़ी थी मैग्नीट्यूड होती है। इट मीन दोनों की जो नेचर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हमने ये पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हम सिंपल अरिथमेटिक रूल के जरिए कर सकते हैं, और जब हमने पढ़ा था वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हम स्पेशल रूल्स को यूज करेंगे। तो इस वजह से इन दोनों की नेचर डिफरेंट होने की वजह से हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 2.10 कहता है, कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर, क्या आप 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर, क्या आप 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं जो 0 है ये स्केलर क्वांटिटी, और जो नल है नाम से जहर है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आप लास्ट क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, कि जीरो जो स्केलर क्वांटिटी है इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, और नल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, तो दोनों की जो नेचर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो नेचर डिफरेंट होने की वजह से हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी इक्वल टू 0, एक्सप्लेन। कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर है उनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो क्या उनका सम 0 हो सकता है। दो वेक्टर हमने ले लिए 2.11। अब सपोज कि हमने एक वेक्टर लिया ए और एक वेक्टर हमने लिया बी। अब देखो बच्चों दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, हमने ये बताना क्या इनका सम 0 हो सकता है। नो, इनका सम जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इनका सम कब 0 होगा, जब हम दो वेक्टर लें दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो दोनों की सेम हो, और डायरेक्शन क्या हो दोनों की एक दूसरे के अपोजिट हो, तब तो इनका सम क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, वरना इनका सम 0 के बराबर नहीं आएगा। तो दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कब 0 होगी, जब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी अपोजिट हो, तब उनका रिजल्ट 0 के बराबर आएगा, वरना रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आएगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।